जी एक बार फिर विजय सिंह चिब को कमान सौंपी गई है। सब तो पहले थोड़ा मीडिया धन्यवाद करते हैं जिहड़े बड़े शार्ट नोटिस ते पहुंचे हो। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन का प्रोसीजर सी उदे विच भरत भूषण शर्मा जी जिहड़े इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए सन, एज़ पर प्रोसीजर पूरा फॉलो करके अनअपोज्ड जिहड़ा विजय सिंह चिब जी नूं एज़ ए प्रेजिडेंट मिनी बस वर्कर यूनियन और निरंजन सिंह जी नूं मिनी बस वर्कर यूनियन का एज़ ए चेयरमैन जिहड़ा वह घोषित किया गया है। मैं समूह प्रधान साहबां दा धन्नवाद करदा क्योंकि इन्हां दी बड़ी अंतक मेहनत है जिहड़े बड़े सालों तो ट्रांसपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं। सो जिस तरह ही इन्हां नूं प्रधान घोषित किया गया है, उस तरह असीं आल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन के विच वी असीं समूह प्रधानों की रजामंदी दे नाल ये उस तरह कंटिन्यू करनगे। आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन नूं एज़ ए प्रेजिडेंट जिस तरह ये पहले कंटिन्यू कर रहे सन और असीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पहले ये तन मन धन दे नाल ये समाज की सेवा कर रहे सन, ट्रांसपोर्ट राही सेवा कर रहे सन, इस तरह अगे भी सेवा करते रहेंगे जी। नरेंद्र जी एक बार फिर आपको चेयरमैन बनाया गया है, क्या कहेंगे? हम आप पहले सबसे बड़ी बात है आपका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद हम सब जितने भी मालक हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या हमारे बसों के प्रधान हैं, ग्रुप वाले हैं, हम उनका शुक्रिया और मुबारकबाद देते हैं। बहरहाल हम ये आपको हम दिलाते हैं कि जितना भी काम होगा हम अपनी यूनियन की भलाई के लिए करेंगे। विजय जी नोटों के हार गले में पड़ गए, फूलों की मालाएं गले में पड़ गई और एक बार फिर आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या है आगे की रणनीति? मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अपनी जितनी टीम है मेटाडोर यूनियन के प्रधान साहिबान और ख़ासकर आदरणीय चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी, क्योंकि हमेशा एक तौर तरीका रहता है हमारा, टाइमली जो हमारी इलेक्शन थी 3 साल, क्योंकि अप्रैल 13 को हमारी डेट थी और 15 दिन पहले हमारा सिस्टम रहता है, क्योंकि रजिस्टर्ड बॉडी में बायलॉज हमारे होते हैं और हमारी मीटिंग 5 तारीख को हुई और उसमें डिसीजन लिया गया कि हमने टाइमली जो इलेक्शन करवाने हैं, तो हमारी मेंबर कमेटी उसमें बैठी, एक रेजुलेशन हमारा डाला गया और तौर तरीका आपने देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने वो पूरा नोटिफिकेशन निकाल के जिसमें चेयरमैन हमने घोषित किए थे भरत भूषण शर्मा जी जो इलेक्शन कमिश्नर और शम ग्रुप के जो प्रधान साहिबान हैं, तो ये आपने देखा 19, 20 और 21 हमारी लास्ट डेट थी और कल जो जैसा इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बताया कि 2 ही फॉर्म बचे, चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी जो काफ़ी मेरे से भी पहले के, क्योंकि सॉरी नरेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये मुझसे भी काफ़ी पुराने काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, तो हमारे जो दो फॉर्म जो रहे वही आप इलेक्शन कमीशन साहब ने, क्योंकि ये हमारी एक यूनिटी है, पिछले 30 सालों से मैं भी काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है 20 साल मेरे से पहले सरदार नरेंद्र सिंह जी जो चेयरमैन हमारे हैं, तो हमने मिलके काम किया है। जब मैंने कदम रखा था तो तब सरदार जी जंग थे, अभी आप देखिए अभी ये बुढ़ापे में भी ये लोगों की सेवा के लिए आगे रहते हैं, तो मैं थैंक्स करूंगा अपनी टीम का। और जैसा हमारे चेयरमैन साहब अजीत सिंह जी ने, क्योंकि इलेक्शन मिनी बस वर्कर यूनियन के थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्किप करता तो मुझे लगता है कि जो बॉडी हमारी है, पोस्ट जो हमारी है ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, तो वहाँ भी मुझे नहीं ना मैं जा पाता, तो आज उन्होंने भी कंटिन्यू जो आगे की हमारी जो मेरी प्रधानशिप है जो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और चेयरमैन साहब ने उसका भी ऐलान किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक टीम वर्क है और ये परिवार है हमारा, ये जो आगे मेरे लोग बैठे हैं ट्रांसपोर्टर, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है ट्रांसपोर्टरों के हक। लेकिन जी आप आठों पहर तत्पर रहते हैं ड्राइवर्स की परेशानियों को लेकर, अब आप एक बार फिर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप आगे लेकर जाएंगे? देखिए ट्रांसपोर्टरों का हमेशा मुद्दे, रोज़ जब चक्का चलता है तो नए नए मुद्दे निकलते हैं, अभी प्रायोरिटी तौर पर हमारे 2-3 जो मुद्दे हैं, हमने आपने देखा ई बसें आई हैं, ई बसों को भी हमने अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ हमारी बसें चलती हैं, यहाँ हमारे मेटाडोर्स के रूट्स हैं, हमने कोशिश की है वहाँ ना चलें, वहाँ चलें जहाँ
लोगों को ज़रूरत है। ई रिक्शा की डिमांड्स हमारी जो है, क्योंकि वो पेंडिंग चल रही है, हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि ई रिक्शा जो है, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ई रिक्शा वहाँ चले जहाँ उनके नोटिफाई जो रूट हमने दिए हुए हैं। क्योंकि अभी हमारी जो दो तीन जो हमारे मुद्दे हैं, तो ये हमारा परिवार है, ये आगे जो बैठे हैं मेरे ड्राइवर और कंडक्टर ऑनर गाड़ी के, इनकी लड़ाई के लिए ये टीम हमारी जो बनी है। तो मुझे लगता है अगर हम पे भरोसा, मुझ पे भरोसा किया गया है, तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। विजय जी, जिस तरह से ई रिक्शा के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में बसेज और मेट्रो से ज़्यादा ई रिक्शाज हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, इससे पहले एक टाटा एस ऑटो भी आया था, आपने देखा, वो आज सड़कों पर नहीं दिखता। ई रिक्शा और हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ पावरफुल हैं। ई रिक्शा इतने आपको रोडों पर नहीं दिख रहे जितने वो आपको वर्कशॉप में खड़े हैं, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं है लोगों का। मगर हम कोशिश करेंगे ई रिक्शा अपने वो जो रूट उनको दिए गए हैं, लिंक्स जो दिए हैं, वहाँ चलें।